बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की थर्ड क्लास है, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के कॉन्सेप्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी, उसके अंदर हमारे पास एक जर्नल इंफॉर्मेशन गिवन थी, जिसको हमने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में सिंपली पुट किया था और उसके ज़रिए अपने रिजल्ट को ड्रॉ कर लिया था। बट कॉन्सेप्ट नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है कि अब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इतना ईजिली आपको अवेलेबल नहीं होगी। एग्जामिनर आपकी नॉलेज को डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें से वन ऑफ द मेथड ये था जिसके अंदर आप सिंपली तमाम डेटा को उठा के राइट हेड्स में पुट कर दें। अनदर वे ऑफ टेस्टिंग योर नॉलेज कि जिसमें आपके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा ली जाए या आपको ना दी जाए, और फिर आपसे कहा जाए कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो जाहिर है कि जो आपका इनकम स्टेटमेंट है वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर डिपेंडेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिपेंड करता है आपके डायरेक्ट मटेरियल यूज पे, डायरेक्ट लेबर पर, अब FOH पे। अब इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गिवन ना हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को किस तरीके से बना सकते हैं, या क्या टेक्निक्स आप अप्लाई करेंगे कि जिसके ज़रिए आप इन तमाम फिगर्स को कैलकुलेट कर लें, आज हम वही चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो स्पेसिमेन यहाँ पे है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और इस स्पेसिमेन को स्टूडेंट्स को याद रखने में अक्सर प्रॉब्लम भी होती है। तो इसको याद करने के लिए जो बेस्ट टेक्निक अवेलेबल है कि आप जितना ज़्यादा इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपकी प्रिपरेशन इसके हवाले से उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो नाउ मूविंग ऑन टू आर क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करना है, यह आपका 2018 कॉस्ट अकाउंटिंग रेगुलर का एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हाफिज़ मैनुफैक्चरिंग कंपनी के हवाले से फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 480,000, विच इज़ 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो मेरे पास गिवन नहीं है, बल्कि एक परसेंटेज नज़र आ रही है। इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन ज़रूर है, बट कहा यह जा रहा है कि 70% ऑफ नेट सेल्स है। तो अगर मेरे पास सेल्स नहीं होगी तो दैट मीन्स, अगर मैं अभी रिक्वायरमेंट पे तो गया नहीं हूँ लेकिन मैं एक चीज़ सोचने की कोशिश करता हूँ, तो फिर इसका मतलब है क्योंकि मैं अपना इनकम स्टेटमेंट सही तरीके से शायद ना बना पाऊँ। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 20% ऑफ नेट सेल्स, दैट मीन्स जब तक मेरे पास नेट सेल्स नहीं आएगी तो मैं अपने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसिस को भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट मेरे पास नेट परचेजेस स्ट्रेटली गिवन है। उसके बाद अगर मैं इन्वेंट्री अकाउंट्स में आऊँ तो उसके अंदर मेरी इन्वेंट्री दो हिस्सों में डिवाइड है, नंबर वन ओपनिंग और फिर क्लोजिंग में। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करता हूँ तो 1,40,000 रुपये ओपनिंग है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे गिवन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगी। गुड्स एंड प्रोसेस की ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री बोथ आर गिवन, फिनिश गुड्स की भी ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज मुझे दी गई हैं। अब मुझसे कहा यह जा रहा है कि कैलकुलेट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड December 31, 2018 विद नेसेसरी कंप्यूटेशंस। अभी कंप्यूटेशंस का वर्ड इसने ज़रूर डाला है यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आपको डेटा क्लियर ना हो या मिसिंग इन्फॉर्मेशन गिवन हो, या आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन इन टर्म ऑफ परसेंटेज आ रही हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन या स्टेटमेंट बनाने से पहले आपने उसको कैलकुलेट कर लेना है। वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, अब हम उसको थ्री स्टेप्स में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नंबर वन वर्किंग है, नंबर टू स्टेटमेंट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड है, और थर्ड इनकम स्टेटमेंट बनाया है। तो अब हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम अपनी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग के अंदर जिस तरह से मैंने अभी डिस्कस भी करा, सबसे पहले मैंने वर्किंग नंबर वन में जो FOH मुझे कैलकुलेट करना है, और वो मुझे बताया गया है कि मेरी डायरेक्ट लेबर 160% ऑफ FOH है। तो अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास FOH 480,000 है। अगर मुझे अपना FOH डायरेक्ट लेबर मेरे पास 480,000 है, और अगर मुझे अपना FOH 100% कैलकुलेट करना है तो मुझे इस कैलकुलेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। 480,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 160,
तो मेरे पास जो गिवन फिगर आती है दैट इज 300,000 जो मेरा FOH है। फिर मैं अपनी वर्किंग नंबर टू में आता हूँ। वर्किंग नंबर टू में अगर मैं अपनी नेट सेल्स को किसी तरीके से कैलकुलेट कर लूँ तो उसके बाद जो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो कि नेट सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है जो कि 1.1 मिलियन या 11,20,000 रुपये दी हुई है जो 70% ऑफ नेट सेल्स है। तो अगर मुझे अपनी 100% नेट सेल्स कैलकुलेट करनी है तो अगेन मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगी। 1.1 × 100 डिवाइड बाय 70, देन आई रीच ऑन टू द नेट सेल्स दैट इज़ 1.6 मिलियन, और इसको आप 16 लाख भी बोल सकते हैं। अब अगर मेरे पास नेट सेल्स कैलकुलेट हो जाती है, नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस दैट इज 20% ऑफ नेट सेल्स। तो अगर मैं 1.6 का 20% सिंपली कैलकुलेट करूँ तो दैट बिकम्स 3,20,000 जो यहाँ पे कैलकुलेट होके नज़र आ रहा है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो मिसिंग क्वेश्चन फिगर के हवाले से है, जिसके अंदर मेरे पास इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन नहीं है, एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल यूज भी नहीं है, दैट्स वाई अब मुझे यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगी टू रीच ऑन जो आखिर में आपको रॉ मटेरियल एंडिंग नज़र आ रही है निकालने के लिए। अब उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो आप अपने जहन में ये चीज़ रख लीजिए कि रिवर्स जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो जो चीज़ें मेरे पास नॉर्मली ऐड होती हैं उसको मैं लेस कर दूंगा, और जो फिगर्स मेरे पास लेस करता हूँ लाइक एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, मैं नॉर्मली जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहा होता हूँ तो उसमें लेस करता हूँ, यहाँ पे मैंने उसको ऐड किया है। तो अब मैं अगर इसको डिस्कस करूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं निकाल चुका था, उसमें मैंने ऐड करी फिनिश गुड्स एंडिंग और लेस करा ओपनिंग फिनिश गुड्स को, देन आई रीच ऑन टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर 1.2 मिलियन, और ये टैली भी हो जाएगा हमारे पास आगे आगे, वो भी हम देख लेंगे। इसमें मैंने ऐड करा एंडिंग WIP वर्क इन प्रोसेस और लेस कर दिया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को, तो मेरे पास आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड जो कि है 12,20,000 रुपये। इसमें से मैंने लेस फिर मैं FOH और डायरेक्ट लेबर को अगर लेस करूँ तो जो मेरे पास फिगर आती है वो आती है डायरेक्ट मटेरियल यूज। ये डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करने के बाद मैंने अपने पास एक फार्मूला ड्रॉ करने की कोशिश करी है अपना काम आसान करने के लिए। रॉ मटेरियल एंडिंग बेसिकली किस तरह से निकलती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल यूज को, तो सिंपली मेरे पास रॉ मटेरियल एंडिंग आ जाती है। यानी अगर मुझे ये पता हो कि मेरे पास टोटल अवेलेबल मटेरियल कितना है यूज़ करने के लिए और उसमें से मैंने यूज़ कितना कर लिया, तो सिंपली मैं बता सकता हूँ कि अब मेरे पास कितना मटेरियल बाकी बच गया। तो यहाँ पे जब मैंने डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट कर लिया तो फिर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की है कि मेरे पास अवेलेबल फॉर यूज़ मटेरियल कितना है, वो निकालने के लिए ओपनिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल था, नेट परचेजेस भी गिवन, इन दोनों को मैंने ऐड करा तो मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आया 6,10,000 रुपये। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे अपनी रॉ मटेरियल एंडिंग कैलकुलेट करना चाहूँ तो 6,10,000 में से मैं माइनस करूँगा 4,40,000 जो कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल यूज है, तो मेरे पास इसकी फाइनल फिगर आ जाएगी रॉ मटेरियल एंडिंग। अब ये वर्किंग करने के बाद आई एम इन अ पोजिशन टू पुट दीज फिगर्स इन टू माई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट, तो मैं इसको बहुत ईजी तरीके से अब कैलकुलेट कर सकूँगा। अब आ जाते हैं हम अपने कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे। कंपनी नेम, देन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको आप मंथ एंड December 31, 2018 कर दीजिए। डायरेक्ट मटेरियल यूज या कंज्यूम मुझे निकालना है, वो सिमिलर मेरा प्रोसीजर है, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री गिवन है, नेट परचेजेस भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने अभी कैलकुलेट करी है जो कि 1,70,000 है, यहाँ से अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड दैट इज़ ₹440,000। देन आई विल ऐड इन टू इट डायरेक्ट लेबर जो कि 4,80,000 रुपये, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मेरे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट दैट इज़ 9,20,000 रुपये है, वो कैसे आती है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर के बाद। इसमें अगर फैक्ट्री ओवरहेड को भी मैं ऐड कर दूं जो कि मैंने कैलकुलेट करा था वर्किंग नंबर वन में 300,000,
तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड आ जाएगी 1.2 मिलियन या 12,20,000 रुपये। देन जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो मेरे पास गिवन है उसको भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, आई विल रीच ऑन टू टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 1.38 मिलियन रुपीज़। देन इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को जो कि है 1,80,000 रुपये। देन आई विल फाइनली रीच ऑन टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोडक्ट कॉस्ट, दैट इज़ 1.2 मिलियन रुपीज़। नेक्स्ट है मेरे पास इनकम स्टेटमेंट जो कि हाफिज मैन्युफैक्चरिंग को, और इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड December 31, 2018। सेल्स मैंने वर्किंग नंबर 2 में कैलकुलेट करी थी, दैट इज़ 1.6 मिलियन या 16 लाख रुपए जो मेरे पास गिवन थी। इसमें से मैं लेस कर देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 1.2 मिलियन। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो आई विल रीच ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दैट इज़ 1.48 मिलियन या 14,80,000 रुपये। इसमें से मैं लेस कर देता हूँ फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री 3,60,000, तो मेरे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,20,000 रुपये, जिसको मैं अपनी सेल्स में से माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000। और देन फाइनली जो मेरे पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस से जो मैंने वर्किंग नंबर 3 में कैलकुलेट करे थे 20% ऑफ नेट सेल्स 3,20,000 रुपये, यहाँ से माइनस करने के बाद मेरी फाइनल जो इनकम आएगी वो होगी 1,60,000 रुपये। आई होप स्टूडेंट्स आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आप इसके अलावा भी वो क्वेश्चन जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से रिलेटेड हो और पास पेपर्स का हो और आपको डिफ़िकल्टी हो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने में या सॉल्व करने में, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे गिवन है siddiqui.s2020@gmail.com, जिसके ऊपर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल के वे जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं काइंडली उसको फॉलो करते रहें ताकि आपकी प्रिपरेशन ऑन टाइमली बेसिस कम्प्लीट हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।